निकाल गाड़ी। अरे रे 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 रे, अंकल के बाइक का चेन टूट गया। नका नका नका। तो नए दिन की शुरुआत नए व्लॉग के साथ हमारे और आपके प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू हो चुकी है। तो कैसे क्या पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। ओ हो, सो कैसे क्या पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज वैभव। तो आज का दिन वीकेंड जैसा लग रहा है क्योंकि आज है थर्सडे और कल से शुरू हो रहा है वीकेंड क्योंकि कल है गुड फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। अरे रे रे, बहुत ही लॉन्ग वीकेंड है, पर क्या करें, अभी हम तो हम एंटरप्रेन्योर मतलब खुद के दम पे खुद ही जीना सीख रहे हैं क्योंकि जॉब वगैरह छूट गए, कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, लॉकडाउन बढ़ने के चांसेस बहुत है, नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। भगवान जल्द से जल्द ख़त्म कर दे ये सबको, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दे। तो सुबह का बज चुका है 10, अब गर्मी थोड़ी बढ़ना शुरू हो चुकी है और दोपहर के टाइम में मुंबई में गर्मी आहा, पूरा साला तंदूरी बाहर निकल जाती है, ऐसे अगर मुर्गी डाल दो तो तंदूरी मिल जाएगी धूप में, ये गर्मी पड़ी पड़ी है, बहुत तूफान गर्मी है। बस 12 के बाद 12 से लेके 4 से 5 बजे तक जो गर्मी गिरती है ना, पूरा बदन बेहाल हो जाता है। अगर अब मैं टी शर्ट हाफ पहन के चला लूँ 12 से लेके 4 तक तो पूरा स्किन टोन चेंज रहेगा, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे वाइट, बहुत गंदी गर्मी चली पड़ी है। यहाँ पे लग रही है फाइन कि जितना भी टेम्पो, यहाँ पे पार्किंग है नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे लगा रहे फाइन टू फाइन कि ये ऑलमोस्ट रोड बन रहा है अभी पूरा, अभी आगे जाके भी रोड बनेगा और आगे काम चल रहा है। और ये मार्च एंडिंग होते होते इतने पब्लिक का फाइन लग गया है, अरे बाप रे बाप, मेरे सामने बहुत जन का फाइन लगा। और वो टाइम पे यार क्या मालूम नहीं कि मैं शूट नहीं करते रहता वो टाइम पे, और वही टाइम पे फाइन लग जाता है, हमारा थंबनेल चले जाता है यार। थंबनेल तो मिले यार, थंबनेल भी नहीं मिल रहा आजकल। तो आजा शाम होने आई, ट्रैफिक की है लड़ाई और हमें जाना है माटुंगा, उस बात की है भाई। आहा, क्या रहमिंग बना लिया। अभी तो फ़िलहाल तो जा रहा हूँ मैं माटुंगा क्योंकि अक्षय का बाइक राज के पास सर्विसिंग के लिए देने गया है वो, तो वहाँ से उसकी पिकअप करेंगे और उसके बाद हमारा काम तो चलते रहेगा। पर जैसे मैंने सुबह भी बोला था कि मैं भी संडे राइड जाऊँगा, पर नहीं जाने वाला मैं संडे राइड क्योंकि अमित से बात हुआ, अमित ने मुझे बताया करके थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होने वाले अब से, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि पकड़ा जा सकता है और बाहर ज़्यादा जाना अलाउड नहीं है। मैं भी मंडे से जितना भी न्यूज़ देख रहा हूँ मैं सुबह, मतलब दोपहर से लेके, कि उसमें भी सब न्यूज़ में यही बता रहे कि अगर ज़रूरत लगी तो लॉकडाउन लग सकता है, जैसे आप भी देखते हो रहे न्यूज़। पर यार अगर लॉकडाउन लग गया तो लग जाएगी, और हर जगह हर जगह हर एक जगह पे पुलिस वाले मिलेंगे मिलेंगे, और गाड़ी का तो पता नहीं। निकाल गाड़ी। इडियट लोग है यार, ना देख कर रहा है एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है तो भी गाड़ी रुका के बैठे हैं यार, रास्ता क्यों उड़ाते हो, छोड़ो ना, किसी की जान हालत में पड़ी रहेगी यार। प्लीज़ यार मैं सबको बता रहा हूँ, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ अगर आपको कोई भी ऐसा दिखे तो प्लीज़ हेल्प आउट कर लेना एरिया क्लियर करने में, रास्ता क्लियर करने में। अब जब तक मेरा रहेगा तब तक मैं एम्बुलेंस को फॉलो कर लूँगा, देख लूँगा कहाँ तक क्लियर कर पाऊँगा क्योंकि नीचे जाके थोड़ा ट्रैफिक लगता है, तो लेट्स सी। और गाड़ी वाले बहुत चालाक है, उनको पता है कि एम्बुलेंस के पीछे मिलता है रास्ता खाली,
क्लियर आउट, तो वो लोग उनके पीछे ही भगाते हैं। एम्बुलेंस के पीछे मत भगाओ, कभी भी उनका ब्रेक लग सकता है और आप एक्सीडेंट हो सकते हो, तो प्लीज़ टेक केयर। छोड़ यार रास्ता, छोड़ छोड़। मुझे जाना है लेफ्ट और एम्बुलेंस चले गए राइट। अरे हो, और भाई क्या हालचाल, सब ठीक? बैटरी डलवाया नया? नया बैटरी डलवाया, अभी इसका स्विच लेके आने का है। कुछ तो सीन हुआ है लगता है, आराम से ठोक दिया है, ठोक दिया है। लग गई है बेचारे की, लग गई है बेचारे की, बोला ठोक दिया ना। अरे रे 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 रे, रे। अंकल के बाइक का चेन टूट गया, तो थोड़ा उनको हेल्प किया जाए। चेन टूट ले, चेन टूट ले, तुमची चेन टूट ले। जायचंय कुठे? वाकोळ्याला। ती चेन काढा पाहिजे, तर ती चेन काढून घ्या। हां चेन काढून घ्या, ती अशी लटकत राहायचा प्रॉब्लेम आहे, माहीत मेकॅनिक भेटणार नाही कुठे आता। ती अडकले का? थोडी गाडी पुढे घ्या, पुढे घ्या, जरा हळूहळू पुढे घ्या, घ्या पुढे। मला वाटते अडकलंय। हो अडकले ती। ठीक आहे, थँक्स। हा तुम्ही आता तुम्हाला मेकॅनिक कुठे भेटेल इकडे? वापरला धक्का मारून जातो आता का? काम करा, करता? मी इकडेच ट्रॅव्हल, घरी चाललो होतो मी आता। एक काम करा, तुम्ही लेफ्टनेच घ्या, मी तुम्हाला हे पायचा ढक्का हे देतो, टोचन देतो। इकडे कुठे मेकॅनिक भेटल्या थांबवा बघा। की बाईक की पूरी चेन तूट गई है, कोई ऑप्शन नहीं है। घ्या घ्या पुढे घ्या ना, नाही काय प्रॉब्लेम, नाही काय ना प्रॉब्लेम, चालेल चालेल। और ये टाइम में अभी कोई मैकेनिक मिलने का मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा पुढे घ्या। बस बस बस, फक्त तुमची गाडी चालू ठेवा, म्हणजे गाडी चालू नका करू, फक्त इंडिकेटर चालू ठेवा। हां इंडिकेटर लेफ्ट लेफ्ट चालू ठेवा, लेफ्टचा इंडिकेटर नाही होत, राईटला ठेवा, राईटचा नाही होत आहे। ठीक आहे, जाऊ द्या, राहू द्या, राहू द्या, घ्या पाय वरती घ्या। पण इकडेच तुटली का, इथंच तुटली का? अंकल की चेन तो पूरी टूट गई है। ओहो आराम से, आराम से भाई। इनको जाना है वाकोला में, तो आई वॉज ऑन अंधेरी हाईवे नियर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही था, तो अच्छा मैंने देख लिया, उनको एटलीस्ट लिफ्ट तो मिल गई। अभी वाकोला में नियर बाय अगर कहीं मिल जाएगा कोई मैकेनिक तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही
गाड़ी अगर लेके जाना है इतना धक्का मार के तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे वो। तो यार एज अ राइडर ये हमारा कर्तव्य है कि एक दूसरे राइडर को हेल्प करना। पर अभी के टाइम में कोई मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है, कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं रात के टाइम। द थिंग इज क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे आपको पता है कि कर्फ्यू लग चुका है तो ऑलमोस्ट सब शॉप बंद कर दिए, तो मिलना मुश्किल है। एटलीस्ट मैं उनको एक सेफ लोकेशन तक पहुंचा पाऊँ कि हाईवे के ऊपर कोई भी मैकेनिक आएगा नहीं, और इतना दूर अराउंड यहाँ से रहेगा वो 203 किलोमीटर, 203 किलोमीटर तक धक्का मार के लेके जाना मतलब यार लग सकती है पूरे बदन की। नका 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 कुछ क्या हुआ अभी, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, उनका चैन टूटा है वो बाहर भी नहीं निकल रहा है। कहाँ ही डाला कुछ तो आवाज आ रहा है बाइक से। ती मला वाटते चैन निकते का बघ, डबल स्टँड वर लावा ना जरा, डबल स्टँड वर लावा ना, हा डबल स्टँड वर लावा। अहो काही नाही काही नाही, ते ॲक्च्युली फिरतो ना टायर, सायकलचं कसं फिरतं तसंच फिरतं हे पण। एक मिनटं जरा हळूहळू फिरवा टायर, कुठेतरी अटकलेले ते। हा हा मागे पुढे, मागे पुढे करू का, बघा बघा जरा। इकडे जवळच आहे का? हा जवळच आहे दादा। चालत भाई असंच राहू देत, असंच राहू देत, उद्या मी मेकॅनिकला नाही इकडे तुम्हाला पुढे घेतो मी, काय प्रॉब्लेम नाही, तो फूड पण चालेल, काय इश्यू नाही होणार एवढा। इकडे कुठे सोडून जाणार, गाडी बिना वजेची प्रॉब्लेम होईल तुम्हाला, इकडे गाडी सोडू नका पाहिजे, तुमच्या इकडे सोडा जवळ चालेल। गाडी का चेन व फस गया ॲक्च्युअली, खालून ना खालून ना, हा माहिती आहे वकळा माहिती आहे। हा चला चला हळूच राहू दे, हळूच राहू दे, हा अडकली ना, नाही ना अडकेल अडकेल। गिअर टाकलेला का गाडीचा? आली आली भारी बाहेर वाटत। अच्छा हा डबल स्टँड लागे, हा अभी निकल गया छान। हा हो काय नाही, ही चेन ठेवा तुमच्याकडे, ह्याला क्लिप लावून ना, क्लिप लावून तो बनवून देईल, फक्त ही चेन ठेवा तुमच्याकडे, तरी बांधून ठेवा ना, तर पुढे ठेवा तुमच्या हेल्मेटमध्ये ठेवा ना, मी घेतो पुढे घ्या पुढे घ्या। चेन तुटली, चेन तुटली, खाली आहे का, चालू आहे का पण, आत्ता चालू आहे। अच्छा अच्छा एकदा बोला ना त्याला, बघा ना, चलो लोकल पीपलचं हेल्प मिळतं। सर्विस रोडला घेऊ, हा हा ओके चला चला।
आराम ते आता हे मडगाड लागतंय मडगाड इधर तो बहुत सारे शॉप है आपको सॉरी हमारा जो कन्वर्सेशन है वो मराठी में हो रहा है क्योंकि वो महाराष्ट्र है तो उनसे मराठी में कन्वर्सेशन एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा तो देख लेते एक बार उनको हेल्प आउट कर लेते क्योंकि यार बीच रस्ते में छोड़ना इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि वो भी थोड़े प्रॉब्लम में रहेंगे तो लेट्स सी कि यार नियर बाय मैकेनिक रहेगा तो ही विल क्लियर दैट आउट। तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद फाइनली आ चुका हूँ घर और घर में आवाज शोर शराबा आता रहेगा क्योंकि रिलेटिव्स आए हैं थोड़े मतलब नियर बाय रहते हैं तो आ चुके घर पे तो थोड़ा शोर शराबा आएगा तो थोड़ा इग्नोर कर लेना। आज का दिन खत्म होते थे कुछ अच्छी बातें हुई अगर हेल्प करने के बाद बहुत मोटिवेशन फील होता क्योंकि मैं एक बाइकर हूँ और सोल से बाइकर हूँ और किसी बाइकर को हेल्प करना इज अ गुड थिंग। उन्होंने मुझे खुद से टेक्स्ट किया था कि थैंकफुल फॉर व्हाट एवर द हेल्प यू आर गिवन टू मी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी को हेल्प किया। अगर आप भी किसी को अगर ऐसे प्रॉब्लम में पाते हो तो प्लीज़ हेल्प आउट कर लेना बिना कुछ सोचे समझे पर प्रिकॉशन लेके प्लीज़ प्रिकॉशन लेना उस चीज़ का। और जब भी वो थैंक यू मतलब वो इतने मन से बोल रहे थे वो दिखाई दे रहा था। मैं GoPro चालू करने के लिए अगर GoPro हर वक्त दगा देता ही देता है पर छोड़ो रखते हैं बात साइड में और करते हैं वीडियो। क्लोजअप को पसंद आया होगा नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना पसंद आया तो प्लीज लाइक किए बगैर जाना मत सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो आज साल अभी लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।